हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हां दोस्तों, आपके लिए लेके आया जी ने i10 न्यूज़ का नया मॉडल। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले i10 के नए मॉडल के साथ में। अभी जो मॉडल दोस्तों आप देख रहे हैं, ये इसका टॉप एंड मॉडल है, आस्था मॉडल। और पूरा डिटेल से जानते हैं कि क्या नया इस कार के अंदर आपको मिलने वाला है और कैसे पहले मॉडल से बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, हुंडई की कोई भी कार अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्च्यून हुंडई का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी हुंडई का कार खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आपको बेस्ट डील, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये टॉप एंड वर्जन है तो इसका एक्स शोरूम प्राइस अगर बात करें तो 7,92,700 रुपये अवेलेबल होता है गाजियाबाद के लिए। और चाबी की शुरुआत करते हैं तो चाबी कुछ आपको इस तरीके से अवेलेबल होती है, जो चाबी पहले से हुंडई में आती है वैसी ही आपको चाबी यहां पे भी देखने के लिए मिलती है। चाबी की जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आपको मिलने वाली है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड के मुकाबले। गाड़ी की चाबी के अंदर आपको लॉक अनलॉक के फंक्शन मिलते हैं, इसके अलावा आप होल्ड करके गाड़ी को इजीली सर्च भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल में, तो आपको नया बोनट डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है जो पहले से ज्यादा आपको स्मार्ट लगने वाला है और स्पोर्टी लुक भी देता है। इसके अलावा जो करेक्टर लाइन्स है वो काफी बढ़िया आपको नजर आती है। ऊपर की तरफ वाइल्ड ग्लास आपको मिलने वाला है, जो ग्लास की क्वालिटी है उसको भी काफी इंप्रूव आप देखने के लिए देखेंगे तो काफी विजिबिलिटी इंप्रूव्ड मिलेगी। इसके अलावा नई हेडलाइट असेंबली आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाला है, साथ में इंडिकेटर का पार्शन आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा और वहीं पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर LED कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, मिलेगा आपको यहाँ पर DRL के साथ में। नई ग्रिल आपको नजर आएगी, जिसमें आपको पियानो फिनिशिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बेहतरीन आपको पूरा नजर आएगा, क्योंकि गाड़ी की जो लुक है वो इसकी ग्रिल की वजह से और भी डिसेंट, और भी मस्कुलर, और रोड की जो प्लेजर है वो काफी बेहतर नजर आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है फ्रंट प्रोफाइल आस्था i10 का। और अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, वहां पर क्या नया मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो दोस्तों साइड में प्रोफाइल में अगर बात करें तो नए फेंडर डिजाइन आपको नजर आने वाले हैं। फेंडर पे नई करेक्टर लाइंस आपको मिलेंगी जो कार की साइड प्रोफाइल को और भी बेहतरीन बनाती हैं। इसके अलावा नया अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा डायमंड कट के साथ में। अगर डायमेंशन की बात करें तो यहां पर आपको 15 इंची के टायर्स मिलने वाले हैं दोस्तों, ट्यूबलेस ऑप्शन के साथ में। और जो अलॉय व्हील का कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी डिसेंट सा रखा गया है, जिसकी लुक और भी बेहतर नजर आती है। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड मिरर के बारे में दोस्तों। यहाँ पर LED इंडिकेटर के साथ में आउटसाइड मिरर आपको मिलने वाले हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल दोनों ही ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बात करेंगे ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर की, तो ए पिलर आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन नजर आएगा, वहीं बी पिलर, सी पिलर आपको ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन में नजर आने वाले हैं, जो कार की लुक को और भी बेहतर बनाते हैं। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो रूफ रिल्स मिल जाएगी ब्लैक कलर की, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर आपको अब रूफ रिल्स का कंपटीशन देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि i10 न्यूज अगर रूफ रिल्स अवेलेबल करा रही है तो बाकी कंपटीशन की कारों को अब सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होना पड़ेगा। क्रोम के डोर हैंडल आपको मिलेंगे, जिसपे रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको मिल जाएगा, काफी बढ़िया क्रोम के डोर हैंडल है और काफी बड़े भी आपको नजर आते हैं। यहीं पर आपको दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर बटन का ऑप्शन भी नजर आएगा, हालांकि पीछे वाला भी क्रोम डोर हैंडल ही आपको मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की दोस्तों बात करें तो काफी बेहतरीन सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है कार के साथ में, यानी कि आप उबड़ खाबड़ रोड पर अगर कार को चला रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कुछ नया देखने के लिए कार की रियर प्रोफाइल में, क्योंकि कार के अंदर बिल्कुल नया किया गया है इसका रियर प्रोफाइल, जहां पर आपको कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको देखेंगे डॉल्फिन स्टाइल या शार्क फिन स्टाइल एंटीना आपको मिलेगा, हाई स्टॉप माउंट आपको पीछे की तरफ नजर आएगी, डिफोगर वाइपर वॉशर का ऑप्शन आपको नजर आएगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों, जो रियर प्रोफाइल है वहां पर आपको नई कनेक्टिंग लाइट्स, रियर लाइट्स देखने के लिए मिलेगी, जो आपको LED कॉम्बिनेशन के साथ नजर आती है। नया ही पूरा पैनल आपको मिलेगा, जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल नई है और उनके अंदर जो LED का कॉम्बिनेशन है वो काफी बेहतरीन आपको नजर आता है। पीछे की तरफ आस्था की बैजिंग मिलेगी, नया न्यूज का बैज मिल जाएगा आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ में, साथ में ग्रैंड i10 की बैजिंग भी आपको सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ मिल जाएगी। और पीछे की तरफ भी दोस्तों आपको नया लोगो मिलने वाला है हुंडई का, जो आपको रियर प्रोफाइल में नजर आएगा वैसा ही आपको फ्रंट प्रोफाइल में भी नजर आएगा। यहां पर आपको पार्किंग कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि टॉप एंड मॉडल, तो यहां पर आपको कैमरे का ऑप्शन भी नजर आएगा। अगर बात करें तो रियर बम्पर में 4 आईज पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, माफी चाहूंगा, 2 आईज पार्किंग सेंसर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और बम्पर में आपको कुछ स्पोर्टी
डार्कनेस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो पीछे वाले रिफ्लेक्टर हैं वो आपको स्पोर्ट कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे। हालांकि पीछे ब्लैक पार्ट भी आपको देखेगा, क्योंकि पीछे वाले बम्पर में आपको ब्लैक पार्शन देखने के लिए मिलेगा जो कार की लुक को और भी स्पोर्टी बनाता है। अब चलते हैं दोस्तों बूट स्पेस में क्या नया है। सबसे पहले देख लेते हैं बूट स्पेस एक्सेस करके। बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए मैग्नेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे का ऑप्शन दिख जाएगा, आप पार्सल ट्रे को उसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। रिमूवेबल है, काफी अच्छी सहूलियत आपको मिल जाती है। आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं और इसको इजिली हटा लगा सकते हैं। केबन के अंदर पीछे की तरफ बूट स्पेस में एक लाइट देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इस सेगमेंट की कार के अंदर आपको लाइट कम ही देखने के लिए मिलती है, बट हुंडई की तरफ से इस कार के अंदर आपको लाइट भी देखने के लिए नजर आएगी। अगर बूट स्पेस की दोस्तों बात करें, लगभग 252 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। रियर सीट आपको मिल जाती है 100% फोल्डेबल, और जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं हाइट के हिसाब से रियर में। अब बात करते हैं स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। हालांकि स्पेयर व्हील के साथ जो पार्ट्स रखने के लिए जगह दी गई है वो काफी अच्छे से यूटिलाइज की गई है। अब चलते हैं दोस्तों पीछे पैसेंजर केबिन के अंदर। तो पैसेंजर केबिन में आपको काफ़ी अच्छी कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नया इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, जो आपको ग्रेश और ब्राउन कलर में नजर आएगा, जो काफ़ी डिसेंट और इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाता है गाड़ी के अंदर। आप जब कार के अंदर बैठेंगे तो इन्वायरमेंट काफ़ी बेहतर आपको नजर आता है। पावर विंडो का बटन आपको यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएगा। नीचे बोतल होल्डर, छोटा मोटा सामान रखने के लिए जगह है। स्पीकर के लिए जगह दे दी गई है, स्पीकर लगा हुआ है हालांकि इस मॉडल के अंदर। यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाला है रियर का डोर हैंडल। वहीं बात करें थाई सपोर्ट वगैरह की सीट की, तो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाले है यहाँ पर सीटिंग क्वालिटी। हेडरेस्ट मिलेंगे आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल। हेडरूम की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतर सा हेडरूम आपको मिल जाता है, और मिल जाते हैं तीनों हैंडल्स, ग्रैब हैंडल्स। इसके अलावा जो केबिन का एनवायरनमेंट है वो काफी बेहतर आपको नजर आता है, काफी वाइल्ड आपको नजर आएगा बैठने के बाद। और गाड़ी का जो सीट का जो प्रीमियम कलर है, जो बेज कलर रखा गया है, ब्राउन कलर रखा गया है, वो काफी बेहतरीन आपको नजर आता है। सबसे अच्छी क्वालिटी की अगर बात करूं, थाई सपोर्ट देख के आपको लगेगा कि हाँ कार के अंदर थाई सपोर्ट थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी आपको इस सेगमेंट के अंदर बाकी कंपटीशन की कार में कम देखने के लिए मिलती है। यानी कि मेरी तरफ से थाई सपोर्ट काफी बेहतर है। पीछे की तरफ आपको एसी वेंट नजर आता है, देखिए आप यहाँ पर एसी वेंट विद चार्जिंग सॉकेट के साथ नजर आएगा। हालांकि ड्राइवर को ड्राइवर की जो सीट है उनके हेडरेस्ट फिक्स रखे गए हैं, उनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं ड्राइवर साइड में क्या कुछ नया मिलने वाला है। तो ड्राइवर साइड में टॉप एंड मॉडल है, तो काफी बेहतर सी कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर साइड विंडो की, तो यहाँ पर ड्राइवर साइड विंडो आपको मिलने वाली है। पावर विंडो के बटन मिलेंगे, मिरर को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर का बटन मिलेगा। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर, पेपर रखने के लिए जगह थोड़ी सी नजर आती है। साथ में स्पीकर का स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर का स्पेस मिलेगा। डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ नजर आएगा। प्लास्टिक क्वालिटी की अगर बात करूं, तो काफ़ी इंप्रेसिव प्लास्टिक क्वालिटी यहां आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपको नजर आने वाली है i10 न्यूज़ के अंदर। अब बात करते हैं कार के अंदर के इंटीरियर की, तो आपको यहाँ पर जो इंटीरियर है वो काफ़ी क्लासी मिलने वाला है। कार के इंटीरियर की अगर बात करें तो मेरी तरफ से काफ़ी सारी रिकमेंडेशन इस कार के अंदर है, क्योंकि आप कार का जो इंटीरियर देखेंगे उसे देख के आपका मन काफ़ी बेहतर आपको फील कराता है। स्टीयरिंग की बात करें तो लेदर वैप स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको आइडियल हिल होल्ड फंक्शन को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ नजर आ जाता है। एसी वेंट की अगर बात करें तो काफी बेहतरीन सी फिनिशिंग एसी वेंट पे आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाती है। मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिल जाती है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों ऑप्शन नजर आते हैं। काफी बेहतरीन क्वालिटी की डिजिटल आपको यहाँ पे मल्टी इन्फॉर्मेशन चीजें मिल जाती है। टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन यहाँ नजर आता है। ड्राइवर सीट पे आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। ड्राइवर सीट की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाली है, और विंग सपोर्ट की अगर बात करूँ और क्वालिटी वाइज बात करूँ तो काफ़ी बेहतर आपको क्वालिटी भी यहाँ पे मिलने वाली है इसकी सीट्स के अंदर। ड्राइवर को ड्राइवर दोनों की सीट की क्वालिटी सेम ही रखी गई है, किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। हेडरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड मिलने वाला है, आप उनको हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, बट कम्फर्टेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट आपको मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं अंदर बैठने के बाद थोड़ा सा क्या चीज़ें नहीं मिलती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देख लेते हैं। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन के साथ नजर आता है। हालांकि स्टीयरिंग टिल्ट मिलता है आपको यहाँ पे। इसके अलावा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर आपको आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन जैसे सभी फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर बात करें इसकी
टच की, तो काफी बेहतर सा आपको टच मिलता है और काफी बढ़िया क्वालिटी का आपको यहाँ पे प्रीमियमनेस सी फील भी कराता है। पूरे डैशबोर्ड पे म्यूजिक स्टूडियो को आपको देखने के लिए मिलेगा पैनल। नीचे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नीचे मिलेगा, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इवन वायरलेस चार्जिंग का सॉकेट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। गियर नोब की अगर बात करें दोस्तों, तो गियर नोब काफी अच्छी क्वालिटी की आपको मिलने वाली है। क्रोम की फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे, सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग दी गई है और जो गियर नोब है वो काफी स्पोर्टी से आपको मिलने वाला है। डैशबोर्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो डैशबोर्ड क्वालिटी में पूरे नंबर आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे तो i10 Neos का जो डैशबोर्ड डिजाइन है वो काफी बेहतर इम्प्रूव किया गया है, काफी बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा एसी वेंट पे आपको जो ब्लैक फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है, पियानो फिनिशिंग, वो काफी बेहतरीन आपके एनवायरमेंट को बनाती है कार के केबिन के। इसके अलावा यूटिलिटी स्पेस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस, छोटा मोटा नहीं बोलेंगे दोस्तों, काफी सारा यूटिलिटी स्पेस आपको मिलने वाला है भर के। नीचे आपको बोतल होल्डर के साथ साथ यहाँ पर दो कप होल्डर भी मिल जाते हैं, यानी कि आप अपनी कार के सफर के दौरान यूटिलिटी को बहुत आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन चार्जिंग सॉकेट आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दोनों तरीके के चार्जिंग ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे। यूएसबी भी आप यहां कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी यहां देखने के लिए मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन कंपार्टमेंट खोलने के बाद आपको सबसे पहले देखेंगे बोनेट को थोड़ा सा ब्लैंक रखा गया है, वहां पे कुछ कवरिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि इंजन की बात करें तो 1.2 सीसी का कापा इंजन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो लगभग यहां पर आपको 19 किलोमीटर पर लीटर के आसपास एवरेज क्लेम किया जाता है और फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर आपको मिलती है। पावर की अगर बात करें, 61 PS की पावर जनरेट करती है और 113 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर काफी बेहतर आपको मिलने वाला है इसका पावर जनरेशन देखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इंजन का सेट यूटिलिटी स्पेस है। आप यहाँ पे इंजन को देखेंगे कितने अच्छे से यूटिलाइज किया गया है और काफी अच्छे से उसको लगाया गया है, यानी कि आप इजीली एक्सेस देख सकते हैं यहाँ पर उनको रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कार के अंदर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर 4 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं, हालांकि जो मॉडल अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सारे सेफ्टी गाइडलाइंस फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराइएगा। बाकी दोस्तों हुंडई की कोई भी कार लेना चाहते हैं तो फॉर्च्यून हुंडई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे या मेरी वीडियो पे मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्टली हुंडई की किसी भी कार का डिटेल ले सकते हैं और बेस्ट डील बेस्ट सर्विस प्रोवाइड आपको यहाँ से मिलती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को खत्म। वीडियो खत्म करने से पहले बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।